हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। और आज हम बना रहे हैं लेग पीस। तो लेग पीस बनाने के लिए मैंने ये जो है 3 लेग पीस ले लिए हैं। सबसे पहले मैं इस पे बड़े बड़े कट्स लगाऊंगी ऐसे, सो दैट मसाला इनके अंदर चला जाए। तो ऐसा करने से क्या है कि मसाला इसके काफ़ी अंदर तक चला जाता है और बहुत टेस्टी जो है फ्लेवर आता है। अदरवाइज बस ऊपर कोट होगा और इसके अंदर जो है मसाला नहीं जाएगा, इसलिए हम इस पर बढ़िया से बड़े बड़े कट्स लगाएंगे। तो हमने कट्स लगा लिए। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये जिंजर गार्लिक की एक पूरी पेस्ट। ये सारे मसाले, ये है नमक, ये है सूखा धनिया, ये है हल्दी, ये है लाल मिर्च, ये है काली मिर्च और ये है कसूरी मेथी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली ये जाएगा कोहिनूर का, इस चिकन तंदूरी चिकन मसाला। इसलिए बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, तो अच्छा सा खूब बढ़िया क्वांटिटी में हमें इसे डालना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च। और इतना ही हम डालेंगे इसमें मैदा। और जाएगा इसमें थोड़ा सा दूध। और ये दूध की मलाई। अब हम इसको अच्छे से मसाज करेंगे। और इसको कम से कम हाफ एन आवर के लिए रख देंगे। फाइव मिनट्स हो चुके हैं और अब हम अपने चिकन को करेंगे फ्राई। तो ये हम एक लेग पीस रख देंगे, एक और लेग पीस रख देंगे और ये बढ़िया से फ्राई होंगे। इसको हम ढककर बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कमर्शियल जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे उनका जो चूल्हा होता है वो कमर्शियल होता है, लेकिन घर पे ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इसको ढककर बनाएंगे ताकि इसका टेम्परेचर और बढ़ जाए। तो हमारे लेग पीस हो गए ऑलमोस्ट रेडी, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो अब हम अपने चिकन को सेकेंड टाइम फ्राई कर रहे हैं, इससे बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई फ्राइड चिकन। बहुत ही टेस्टी बना है और सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप भी ट्राई करिए और बताइए कैसा बना आपका चिकन।